हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन और आज मैं आपके सामने लेके आया हूं ऐसी एक होम रेमेडी जो थायराइड की बीमारी के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकती है आपके लिए। थायराइड की बीमारी ऐसी एक बीमारी है जो बहुत ज्यादा कॉमन है। हालांकि थायराइड की बीमारी दो तरह की होती है, एक हाइपोथायराइडिज्म होता है और दूसरा हाइपरथायराइडिज्म होता है। दोनों के लक्षण भी अलग है, प्रेजेंटेशन भी अलग है, इलाज भी अलग है। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपके सामने जो रेमेडी बताने वाला हूँ ये हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी के लिए बहुत ज्यादा सहायक है। हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म को थोड़ा सा समझ लेते हैं इस बीमारी के इलाज को जानने से पहले। हाइपोथायराइडिज्म में मरीज का वजन बढ़ता है, उसको भूख कम लगती है, वो खाना भी नहीं खाता है, बाल गिरने लगते हैं, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है और फीमेल्स के मेंसेस जो है वो इरेगुलर हो जाते हैं। ये इसके कुछ कॉमन लक्षण है। और मरीज को ठंड बहुत ज्यादा लगती है जिसको हम कोल्ड इंटॉलरेंस के नाम से जानते हैं। दूसरी होती है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में मरीज बिल्कुल लीन एंड थिन, पतला दुबला होता है लेकिन बहुत ज्यादा एक्टिव होता है और बहुत फुर्ती से काम करता है। उसकी आंखें थोड़ी सी बल्जिंग हो जाती है, बड़ी बड़ी आंखें होती हैं और खाना बहुत ज्यादा खाता है लेकिन मोटा नहीं होता है। और कई बार जो है चेहरे पे, इवन फीमेल्स के चेहरे पे बाल आने लगते हैं, इस तरह के जो है वो हाइपरथायराइडिज्म के लक्षण होते हैं। इसमें हार्ट बीट तेज चलती है, मरीज को थोड़ा अपना टेम्परेचर भी ज्यादा लगता है और यहाँ पे हीट इंटॉलरेंस होता है। तो ये तो हमने समझ लिया कि ये बीमारी और इसके लक्षण क्या है। अब बात करते हैं कि आप कैसे अपने किचन के कुछ सामग्रियों से इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं और धीरे 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 जो आपकी दवाइयां चल रही हैं उनकी डोज कम हो जाएगी। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, आप अपनी रेगुलर दवाइयों को एकदम से बंद ना करें, उसको आप खाते रहिए और साथ में इस दवाई को लेना शुरू करिए। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब आपका डॉक्टर आपके थायराइड फंक्शन की जांच कराएगा तो वो देखेगा कि आपका जो थायराइड का लेवल है या जो TSH और T3 T4 के लेवल्स हैं अब वो थोड़े बैलेंस होने लगे हैं, TSH का लेवल कम होने लगा है, तो फिर आपकी वो डोज कम करेगा। और ऐसे करते करते आप देखेंगे 6 महीने में कि हो सकता है आपकी दवाई बंद भी हो जाए या फिर आप मिनिमल डोज पे आ जाए। तो समझ लेते हैं कि आप इसको इलाज कैसे करें और ये घरेलू नुस्खा क्या है, कौन कौन सी किचन की आपकी सामग्रियां हैं जिससे आप ऐसी बेहतरीन दवाई बना सकते हैं। 5 सामग्रियां हैं जो आपके किचन में मिलती हैं, जिसमें सबसे पहला होता है जीरा। जीरा आप लेंगे करीब 100 ग्राम। उसके बाद आता है सूखा धनिया। सूखा धनिया आप लेंगे करीब 250 ग्राम। उसके बाद आता है सौंठ। सौंठ जो सूखा अदरक होता है उसको सौंठ कहते हैं, इसका भी आप 100 ग्राम लेंगे। एक होता है नमक कलौंजी। नमक कलौंजी आपको बाजार से मिल जाएगा, उसका आप लेंगे 50 ग्राम। और आंवला पाउडर इसको आप ले लेंगे 100 ग्राम। कोशिश ये करें कि आप बाहर से इसको पाउडर फॉर्म में ना लें, किसी भी दवाई को आप साबुत लें। अगर आप आंवला भी उसके बीज निकाल के उसका पाउडर घर में बना लेते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल होता है। आप सिर्फ आंवले का पाउडर ले सकते हैं किसी आयुर्वेदिक स्टोर से और बाकी जितने आपके किचन के सामग्रियां हैं उनको साबुत लेके, प्योर अवस्था में लेके खुद से घर पे पीसे। बाहर से पीसेंगे तो शायद फायदा ना हो, हमें नहीं पता उसमें कोई मिलावट ना हो। तो घर पे आप इसको ग्राइंडर में डाल दें और अच्छे से इसका बारीक पाउडर बना लें। जब ये पाउडर बन जाए अब इसको आप एक एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख दीजिए और इस दवाई का करीब 4 से 5 ग्राम छोटा एक चम्मच चाय का जो होता है उसके बराबर खाने के बाद सुबह शाम आप लेना शुरू कर दीजिएगा हल्के गुनगुने पानी के साथ। आप जब इसको लगातार लेंगे तो एक तो ये आपका डाइजेशन का फायदा करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा और आपका जो हार्मोन का जो सिस्टम होता है जिसको एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं वहां पे इसके बड़े अच्छे इफेक्ट्स होते हैं, उस तरीके से आपके उसके फंक्शंस को इम्प्रूव करेगा। और जब नेक्स्ट टाइम आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपका जो TSH का लेवल है अब वो थोड़ा नीचे की तरफ आने लगा है। हो सकता है आपका डॉक्टर उस दवाई को अब आपकी कम कर दे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 100 माइक्रोग्राम थायरोक्सिन या थायरोनॉर्म ले रहे थे तो डॉक्टर आपका उसको 75 माइक्रोग्राम कर दे या 50 माइक्रोग्राम कर दे और धीरे धीरे आप देखेंगे कुछ महीनों के बाद कि आपकी डोज काफी कम हो जाएगी। तो इन दोनों दवाइयों को आप पैरेलल चलाएंगे, आप आजमा के देखिए इस रेमेडी को, बहुत ही लाजवाब रेमेडी है और इसे काफी अच्छे फायदे मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अभी तो लाइक करें, शेयर करें और जब आपके थायराइड के फंक्शंस ठीक हो जाए और TSH का लेवल आपका नीचे आने लगे तो फिर उस समय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा सो दैट बाकी लोगों को इसका फायदा मिले। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें सो दैट आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो समय पे मिलते रहे। थैंक यू।